NPR और NRC को लेकर के जो स्थगन प्रस्ताव जो हम लोगों ने पेश किया था विपक्ष के लोगों ने, उसको स्पीकर साहब ने स्वीकार किया और उस पर बहस हुई, चर्चा हुई। बहस में सारी बातों को आप लोगों ने सुना होगा कि क्या है, लेकिन कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे। विपक्ष की क्या मांग रही, विपक्ष का जो मांग था कि 2010 जो पुराना जो NPR है उस हिसाब से बिहार में अगर लागू किया जाए तो उसी हिसाब से होना चाहिए। जो नए फॉर्मेट बीजेपी के लोगों ने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये भ्रमित करते हैं, तो आज बीजेपी के झूठ को आज मुख्यमंत्री ने पर्दाफाश किया। उन मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया जो हम आरोप लगाते थे, विपक्ष के लोग आरोप लगाते थे कि जो NPR में जो संशोधन हुआ है, जो नया NPR का जो फॉर्मेट है, उसमें कई ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं जिससे आपत्ति हो सकता है। दूसरी बात, भाजपा को ये भी झटका लगा कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को स्वीकार किया जो हम आरोप लगाते थे कि NRC जो है देश को तोड़ने वाला कानून है, इस बात की सहमति। फिर सदन में एक बात हुआ कि एक पत्र बिहार सरकार ने 15 फरवरी का एक पत्र है, जो नोटिफिकेशन हुआ उसके आलोक में उन्होंने भेजा था केंद्र सरकार को। अब कुछ चीज़ें जो है मांग की थी, जैसे ट्रांसजेंडर जो है उसको इंक्लूड करते हुए 2010 वाला ही फॉर्मेट जो है वो लागू की जाए, बाकी जो एडिशनल चीज़ें जो जोड़ी गई हैं, पेरेंट्स का डेट ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ, उसको जो है नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल और उनके सहयोगी दल की जो लड़ाई थी संसद से लेकर के आप देखिएगा सड़क तक, इसमें हम कामयाब हो रहे हैं, कामयाब हद तक हुए हैं। बिहार बंद हुआ, हम लोगों ने JP गोलंबर पर धरना दिया, हालांकि NRC का जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन खतरा है। तभी मुख्यमंत्री जी जो है ये प्रस्ताव और चिट्ठी उन्होंने 15 फरवरी का लिखने का काम किया, ये बात एकदम स्पष्ट है कि किसी भी हालत में NRC नहीं होना चाहिए। तो हमारी ये मांग रही, जो भी प्रस्ताव आएगा, मुख्यमंत्री जी का था कि प्रस्ताव जो उनका जो चिट्ठी है बिहार सरकार का, वो जो है सहमति से हाउस जो है पास करे, लेकिन उस चिट्ठी में गौर से सुनिएगा, 15 वाले चिट्ठी में केवल फॉर्मेट का जिक्र है और NPR का जिक्र है। हमारी मांग है कि NRC को भी उस प्रस्ताव में सदन सहमति पास करे, इंक्लूड करे, NRC को इंक्लूड करना चाहिए, NPR NRC लागू नहीं होने देंगे। और NRC जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि खतरा है, तभी तो उन्होंने चिट्ठी लिखा और फॉर्मेट की जिक्र की, जो भी NPR का फॉर्म होगा तो उसको इन्होंने प्रस्ताव में क्यों नहीं लाया। तो हम लोगों को संदेह था इस बात को लेकर के, क्योंकि मुख्यमंत्री का इतिहास भी जो है विश्वास करने वाला नहीं रहा, जो उनका इतिहास रहा है जल्दी विश्वास नहीं होता। तो हमने बोला फॉर्म तो सिर्फ आपने लिखा जिसके आलोक में आपने चिट्ठी दिया, तो वो जो चिट्ठी है और साथ ही साथ जो फॉर्म है जिसके आधार पे आपने चिट्ठी बनाई है और जिसको कह रहे हो कि आप प्रस्ताव में शामिल पास कीजिए, तो विपक्ष के लोगों ने तो देखा ही नहीं, ना सरकार के किसी मंत्री ने देखा, ना सरकार सत्ताधारी दल के किसी विधायक ने देखा, किसी ने नहीं देखा मुख्यमंत्री के अलावा। तो बिना देखे हम क्या पास कर रहे हैं, कल को कुछ फिर मुख्यमंत्री जी ठग लेंगे जालसाजी में, तो कल को जिम्मेदारी जो है विपक्ष पे आएगी। तो इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी से मांग किया है दो चीज़ का, कि पहला चीज़ जो है NRC इंक्लूड कीजिए, दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूट कराइए फॉर्म, और फिर फॉर्म के आधार पे उसी जो प्रस्ताव है इसको हम लोग जो है NPR NRC को लेकर के हम लोग केंद्र सरकार को भेजने का काम। CM ने कहा।